और बुरहानपुर में एमकेएन न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि जिले के सुहापुर वन परिक्षेत्र भावसा ब्रिज क्रमांक 437 में अंधाधुंध कटाई की खबर को एमकेएन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया। खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग के एसडीओ अजय सागर के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक वाहनों से 4 रेंजरों समेत 90 से अधिक कर्मचारियों ने भावसा ब्रिज क्रमांक 437 में पहुंचकर कार्रवाई की है। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने जंगल की कटाई कर वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और फसल भी उगाई थी। वन विभाग द्वारा 15 हेक्टेयर अतिक्रमण को इस दौरान मुक्त कराया गया है, यहां से अतिक्रमण हटा लिया गया है। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से वन विभाग की टीम ये कार्रवाई करती हुई। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी, तो जिसमें सत्यता पाई गई। तो आज हम लोगों ने 4 रेंजों का स्टाफ, लगभग 90 की संख्या में, और 4 रेंज ऑफिसर शाहपुर, बोदली, खकनार और बुरहानपुर, ये 4 रेंजों के रेंज ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई हम लोगों के द्वारा। और लगभग 15 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमने आज खाली करा ली है। सर, यहाँ पर कुछ जंगल कटाई भी हुई है, उसको कैसे चिन्हित करेंगे? हाँ, कुछ कटाई हुई है, कुछ अंडर 20 के पेड़ हैं, जो लगभग 70-75 के आसपास, उनकी संख्या की हमने गिनती कराई है।